केजरीवाल का जब देश की राजनीति में अवतरण हुआ था, तब केजरीवाल सभी राजनेताओं को ये चुनौती देते थे कि अगर हिम्मत है तो मुझसे बहस करो। लेकिन समय का काल चक्र बदला और जो केजरीवाल सबको चुनौती देते थे, आज उन्हें ही चुनौती मिलने लगी है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करें। ये चैलेंज बीजेपी ने केजरीवाल को दिया है और इस प्रस्ताव से केजरीवाल को बीच मझधार में फंसा दिया है। दरअसल सीबीआई द्वारा केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई तेज करते ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और केजरीवाल बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ भड़क गए। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें झूठ बोलकर फंसाया जा रहा है, गवाहों से जबरदस्ती बयान लिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने तो जांच एजेंसियों के अधिकारियों के खिलाफ केस करने की भी बातें कही है। मतलब केजरीवाल एंड कंपनी को न जांच एजेंसी पर भरोसा है और न ही कोर्ट पर। पीएम मोदी की डिग्री मामले में कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगाया था, तो उस पर भी केजरीवाल और आपके नेताओं ने सवाल उठाए थे। हालांकि बीजेपी ने इस बार केजरीवाल को बड़ा चैलेंज देकर फंसा दिया है। क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए वीडियो में अंत तक। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि अबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा तलब किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि अगर डरने की कोई बात नहीं है तो उन्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक संवाददाता सम्मेलन में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन को लेकर केंद्र सरकार पर हमले के जवाब में पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी की आलोचना की और कहा कि ये बयानबाजी का नहीं बल्कि जवाबदेही का वक्त है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं पर केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए भाटिया ने कहा कि आप सुप्रीमो को सच्चाई सामने लाने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में सरगना थे, जिनमें उनके विश्वास पात्र और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। भाटिया ने केजरीवाल से सवाल किया कि क्या वो दिल्ली मंत्रिमंडल की फरवरी 2021 में हुई बैठक में लिए गए फैसलों के लिए जवाबदेह नहीं है, जिसमें कथित तौर पर इस घोटाले की साजिश रची गई थी। भाटिया ने केजरीवाल द्वारा एक आरोपी के साथ कथित तौर पर फेस टाइम पर बात करने को लेकर भी सवाल उठाया। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि हथकड़ियां उनके पास पहुंच रही है और वो डरे हुए हैं तथा डर के मारे कांप रहे हैं। अगर आप संयोजक को अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो उन्हें बीजेपी का प्रस्ताव को स्वीकार कर अपने आप को दोष मुक्त करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या केजरीवाल अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।